मैं मनुस्मृति बोल रही हूँ। बहुत अधिक मानसिक संताप हुआ था यह जानकर कि तुमने मुझे भेदभाव करने वाला माना, मिथ्या प्रचार किया, मेरी प्रतियां तक जला डाली। लेकिन ऐसा करके तुम मेरे विधानों की सत्यता को नष्ट नहीं कर पाओगे। तुमने समाज में जाति की व्यवस्था दी, जाति को जन्म पर आधारित माना, अपने स्वार्थों को आगे रखकर जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले गए। मैं समाज में जाति नहीं वर्ण व्यवस्था के पक्षधर रही। वर्ण शब्द अपने आप में ही व्यवस्था को कर्म पर आधारित सिद्ध करता है। महर्षि यास्क ने निरुक्त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है, वर्णो वृणोते है, अर्थात गुण कर्म को देखकर योग्यता अनुसार जो अधिकार दिया जाए वह वर्ण है। किसी भी कुल में उत्पन्न व्यक्ति किसी भी वर्ण की शिक्षा दीक्षा ले सकता है। उस वर्ण के गुण कर्म ग्रहण करके उस वर्ण का कहला सकता है। मेरी व्यवस्था का आधार वेद में आया हुआ वह मंत्र था जिसके अर्थ का तुमने अनर्थ कर दिया, मुझे बदनाम किया और वैदिक सभ्यता को कलंकित किया। ब्रह्मा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति का भ्रम फैलाया। मेरी व्यवस्था का आधारभूत पहला मंत्र है, यत् पुरुषम् व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्चेते। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का यह मंत्र है। जब दिव्य शक्तियां सामाजिक पुरुष की कल्पना करती हैं, तब कितने प्रकार से कल्पित करती हैं? इस समाज का मुख सदृश क्या होता है? बाहु के समान कौन होते हैं? उरु अर्थात जंघा के समान कौन और पैर के समान कौन कहे जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में अगला मंत्र कहा गया है, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण इस समाज व सामाजिक पुरुष का मुख के समान बनाया गया, क्षत्रिय बाहु के समान और वैश्य उरु के समान किया गया, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। मंत्र को समझने में भारी भूल की गई। वाक्य था, अस्य मुखम ब्राह्मणम आसीत, अर्थात मानव समाज रूपी विराट पुरुष का जो मुख्य भाग होगा उसका नाम ब्राह्मण रखेंगे। परंतु आपने अर्थ निकाला, जो ब्राह्मण कहलाता होगा उसको हम समाज का मुखिया कहेंगे। दोनों वाक्यों की भावना में कितना अंतर है। यहां पर कृतः शब्द का प्रयोग यह सूचना दे रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि गुण कर्म और स्वभाव से बनाए जाते हैं। मंत्र में आए अजायत शब्द को लेकर उल्लूक भट्ट आदि ने ऐसी कल्पना की जो विश्वास से परे है और भ्रामक है। उन्होंने यह अर्थ किया, ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुओं से क्षत्रिय को, जंघाओं से वैश्य को और पैर से शूद्र को उत्पन्न किया। वास्तव में यह अलंकारिक वर्णन है जिसका अर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख बाहु जंघा और पैरों के गुणों की समानता के अनुसार चारों वर्णों का निर्माण किया। दूसरे मंत्र में अजायत शब्द को पहले मंत्र के उच्चेते शब्द के साथ जोड़कर पढ़ें तो इस शब्द का अर्थ उत्पन्न होना नहीं बनता, जैसा कि कुल्लूक भट्ट इत्यादि ने इसकी व्याख्या में कहा है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि यहाँ वर्णों की उत्पत्ति की बात हुई है, वर्ण धारण करने वाले व्यक्तियों की नहीं।